बातचीत तो दोस्तों उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से इंस्टाग्राम पोस्ट पे RC24 एक सुपर एक्साइटिंग सरप्राइज बोल के पोस्ट करता है। तो सब लोगों ने जैसे कि सोचा था कि करियर मूड आ सकता है या फिर मल्टीपल मैच कुछ आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं आया है। जो चीजें आए है वो तो उससे भी ज्यादा धमाकेदार निकला। IPL की लाइसेंस निकल लिया गया है, यस, और एक के बाद एक टीमें यहाँ पर रिवील करते ही जा रहा है। सबसे पहले LG का किया है, उसके बाद राजस्थान, और अभी जो मेगा इवेंट में जो काल दिखाया था वो था मुंबई इंडियंस का भी जर्सी रिवील हो गया है। अभी बात आ रहा है कि चंदन भाई क्या हमें इस तीन टीम का ही लाइसेंस मिल रहा है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों को इतना तक भी नहीं पता था कि LG के बाद राजस्थान रॉयल्स का भी आ सकता है। फिर तो हमें क्योंकि WCC3 का तो आपको पता है कि एक टीम का दो टीम का लाइसेंस लिया, उसके बाद किसी भी टीम का आया ही नहीं। उसके बाद हमारे मन में एक डाउट हो गया है कि अगर WCC3 में ऐसा हो तो क्या RC24 में भी ऐसा हो सकता है कि एक या दो टीम का ही लाइसेंस मिले? इसीलिए शायद हो सकता है कि हमारे में राजस्थान रॉयल, LG एंड किसी किसी मन में ऐसा भी हो रहा है कि मुंबई इंडियंस, ये सिर्फ तीन टीम का ही लाइसेंस मिला है, बाकी जो 7 टीम है टोटल, तो 10 टीम होता है, जो 7 टीमें है उन टीम का लाइसेंस नहीं मिला है। दोस्तों इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को सारा का सारा क्लियर कर देता हूँ। तो उससे पहले बता देता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो कि सब टीम का लाइसेंस मिले, कॉमेंट करके बता देना, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में एक डाउट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था जो LG का कंपनी है, जो LG का ऑफिशियल पेज है गूगल पे, वहाँ पर बताया था कि 25 तारीख के बाद आप कोई भी आप हमारे टीम को लेके RC24 में खेल सकते हो। सो इस हिसाब से तो 25 तारीख आ ही गया है, और अगर आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ तीन टीमें ही रिवील हुआ है, और अगर 25 तारीख में LG का टीम लेके खेले तो इसका मतलब तो हमें सिर्फ तीन या फिर ज्यादा से ज्यादा हो सके एक और टीम रिवील हो जाए, या फिर हमें मान लीजिए कि 4 टीम का ही देखने के लिए मिले, तो उस हिसाब से तो हमें पूरा का पूरा 10 टीम का मतलब पूरा रियल टीम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो IPL का पूरा लाइसेंस है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेन जो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 10 टीमों का 10 टीम जो है लाइसेंस, सुनने में ये आ रहा है कि मिल सकता है, यहाँ पर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मिल गया है, बट देखिए मैं जितना यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा मैं कहीं ना कहीं से मैं एकदम से परफेक्ट लेके न्यूज लेके ही आप लोगों को बोलता हूँ। जो 10 टीमें है 10 टीम का 10 टीम का ही जो IPL का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों का जानना चाहता हूँ कि अगर 10 टीम का ही लाइसेंस मिल गया है तो आप लोग क्या चाहते हो कि नेक्स्ट में कौन सा टीम का IPL के रियल स्पॉन्सरशिप रियल लाइसेंस रिवील करे RC24? CSK, AGT या फिर ASRS या फिर KKR या फिर जो टीम और है, जो 7 टीम अभी भी पड़ा है, तो मेरे को कमेंट करके बताना। और क्या पता कि इस वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से एक और जो टीम का रिवील हो भी जाए। क्योंकि तो आप लोगों को क्या लगता है कि 10 टीमों का लाइसेंस आएगा कि नहीं? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आएगा, बताना। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना जरूर भाई के चैनल के साथ, गेमर चंदन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हर एक बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आप लोगों के सामने बहुत जल्दी से लेकर आता हूँ। चलिए मिलेंगे अगला वीडियो में।